हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का दूसरा वीडियो और ये मैंने वीडियो में जो अपडेट आया है इसमें जे के बोपी के थ्रू जो अभी काउंसलिंग चल रही है इंजीनियरिंग की सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं डेली बेसिस पर इस इस काउंसलिंग को कवरअप कर रहा था सो कल जो एलेवेंथ ऑफ नवंबर को जो सीट मैट्रिक्स रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली जिसमें आप देख सकते हो कि जी जी सी जम्मू में सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं ओपन मेरिट में कैटेगरी की तो रही नहीं है सिर्फ मैकेनिकल की रह गई हैं ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैकेनिकल की ब्रांच है इसमें सबसे लास्ट में ये फिलअप होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ़ एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली अगर हम जे एंड के यू टी की बात कर लें तो थोड़ी सी लिमिटेड है बाहर तो ऑफ़कोर्स नो डाउट काफ़ी सारी निकलती uh, uh, रहती हैं इनकी पोस्टें लेकिन अगर हम जे एंड के की बात करते तो, हैं जे एंड के थोड़ी लिमिटेड निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल एंड एंड इलेक्ट्रिकल सो इस पर अभी भी एलेवेंथ सीट्स वेकेंट हैं मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ ये देखिए एलेवन सीट्स वेकेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गांधरबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिविल अप हो चुका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 11 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं मैकेनिकल में ट्वेंटी थ्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्वेंटी एट और फोटी फाइव बायोमेडिकल में टोटल जिस टी में हंड्रेड सीट्स अभी भी वेकेंट हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल uh, एलक्ट्रॉक्स में ट्वेंटी एट वेकेंट है uh, अगर यू आई कठुआ की बात कर लूँ तो यहाँ पे ओपन मार्ट uh, में ट्वेंटी फाइव सिविल में कंप्यूटर साइंस में थर्टी टू कभी भी वैकेंट है अगर ये कॉलेज इसलिए इतना फिल अप नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है जो जे के से uh, सॉरी जम्मू से थोड़ा सा डिस्टेंस में कठुआ में है तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है नाइन्टी uh, किलोमीटर आप ये मान के चलिए जम्मू सिटी से और जाना नाइन्टी आना नाइन्टी तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे सीट्स थोड़ा सा स्लोली फ़िलअप हो रही है।, है तो ये भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट अगर मैं बात कर लूँ मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज शाम तक टू सिक्सटी नाइन सीट्स इनकी वेकेंट हो गई हैं कल आई थिंक आ, मुझे लगता है टू फिफ्टी के अराउंड थी आज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी स्टूडेंट्स इनके भी शिफ्ट हुए हैं आई थिंक वो शायद इलेक्ट्रिकल में क्योंकि एट सीट्स वेकेंट थी तो इलेक्ट्रिकल में गए हैं जी सी टी में शायद और ई uh, एन e में भी सीट्स वेकेंट थी कुछ मैकेनिकल में चलो इनका मैकेनिकल तो है नहीं लेकिन इनका ट्वेंटी स्टूडेंट्स सीट्स इनकी भी वेकेंट हुई है मंतप्रीता सिंह की भी तीन चार चार पाँच सीट्स इनकी भी वेकेंट हुई हैं जो कहीं शिफ्ट हुई हैं अब ये मान के चलिए कि जिस टी जम्मू हो सकता है या कठुआ हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे भी लेकिन अभी भी, भी सीट्स वेकेंट हैं आपका माइट में टू सिक्सटी नाइन सीट्स वेकेंट हैं हर ब्रांच में सीट्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइज़ में नाइन्टी नाइन की सीट्स अभी भी वैकेंट हैं ई सी e में फोर्टी फाइव सिविल में सेवेंटी नाइन और इलेक्ट्रिकल में फोटी सिक्स मंत बजित्र सिंह में भी सारी ब्रांचेस में अभी भी सीट्स हैं एस एस एम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लो तो यहाँ पे भी अभी भी टू सिक्सटी सिक्स सीट्स वैकेंट हैं इनकी सिविल में फिफ्टी टू ई एन सी में फिफ्टी एट कंप्यूटर में फोटी सेवन एलेक्ट्रिकल में फोर्टी फाइव और मैकेनिकल में सिक्सटी फोर इनकी सीट्स अभी भी इनकी वेकेंट हैं और योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर थ्री हंड्रेड सेवन सीट्स अभी भी वेकेंट हैं मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ हंड्रेड सेवन जिसमें सिविल में इनके पास सिक्सटी सिक्स सीट्स वेकेंट हैं कंप्यूटर साइंस में एटी थ्री वेकेंट हैं इलेक्ट्रिकल में फोर्टी एट वेकेंट है और मैकेनिकल में वन हंड्रेड टेन वेकेंट हैं सीट्स और भारो कॉलेज की अगर मैं बात करूँ भारो कॉलेज ऑफ फिशिंग एंड टेक्नोजी सांबा में सिविल में फ़िफ्टी फ़ोर सीट्स वेकेंट हैं ई एंड सी में फिफ्टी सेवन कम्प्यूटर में एटीन इलेक्ट्रिकल में फिफ्टी सिक्स और मैकेनिकल में फिफ्टी सेवन तो यहाँ पर इनकी टोटल जो सीट्स विक्रे 242। टू फोर्टी टू सो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको ये मैट्रिक्स क्लियरली अच्छे से समझा दी है जिस जम्मू में सिर्फ एक ब्रांच में अभी सीट अवेलेबल है जो है मैकेनिकल 11 सीट्स हैं गांधरबल में तो सिवल को छोड़ के सारी सीट्स अभी भी उनके पास सीट्स अवेलेबल हैं वन हंड्रेड सेवन सीट्स और यू आई टी कठुआ में भी सो uh, फ्रेंड्स so अगर अगर आप सिविल के लिए जा रहे हो और अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप यू आई टी कठुआ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे अभी ट्वेंटी फाइव सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं और कंप्यूटर साइंस में भी इनके बाद थर्टी टू सीट्स अवेलेबल हैं जो जी सी टी जम्मू में फिलअप हो चुकी है अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना है और अगर आपने प्राइवेट अगर आपने प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में तो हर जगह पे सीट्स की अवेलेबलिटी है आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं मैंने आपको वही बोला कि आप कहीं से भी इंजीनियरिंग कर लीजिए आपको डिग्री जम्मू यूनिवर्सिटी की मिल जाए गवर्नमेंट से कीजिए या प्राइवेट से कीजिए तो आपको डिग्री जम्मू यूनिवर्सिटी ही देगी या कश्मीर यूनिवर्सिटी देगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो सारे इक्वली वेल एफिलेटेड और वेल स्टैब्लिश कॉलेजेस हैं ठीक है तो आई होप अब कल का सीट मैट्रिक्स देखेंगे कि कल का कितनी सीट्स अवेलेबल हैं जम्मू जिस जम्मू में और गांधरबल में कितनी रहती हैं कल के लिए सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेली बेसिस में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये सेकंड वीडियो आज का फर्स्ट वीडियो में मैंने नीट का अपडेट डाला था और ये अब इंजीनियरिंग का अपडेट है सो so, जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैन सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे के स्टूडेंट्स सो काइंडली स्पोर्ट्स चैनल सो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू